नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया की प्रबंध संपादक। और मैं हूँ कुमकुम यादव, अयोध्या से सीनियर रिपोर्टर। हम दोनों की जोड़ी लेकर आई है आपका अपना शो राजनीति रसराय। अब ये शो कुछ इसी अंदाज और इसी अवतार में आपके बीच आएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए राजनीति रसराय की चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। दीदी, पता है एक समय था कि जब लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए विभागों के चक्कर लगाया करते थे, पूरे के पूरे दिन परेशान होते थे, फिर भी नहीं बनता था। 6-6 महीने तक विभागों के चक्कर लोग लगाया करते थे। अब एक समय यह आ गया है कि लोग राशन कार्ड बनवाने के चक्कर नहीं, बनवाने में नहीं, वो जमा करने के लिए विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। तहसीलों में पूरे के पूरे दिन खड़े हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है। ये होती है राजनीति वाली बात कि पहले आओ पहले पाओ के अभियान के तहत राशन कार्ड, वो भी फ्री राशन के लिए सरकार ने बांटे थे, लेकिन अब अभियान चलाकर डुग्गी पिटवाकर सरकार को सुपुर्द करने की लोगों में ऐसी हवा भरी गई है कि लोग डर रहे हैं। लोगों का ये भी लोगों में डर सता रहा है कि अगर वो राशन कार्ड नहीं जमा करेंगे तो सरकार कहीं ना उनसे वसूली करे। इसके लिए वो सुबह होते ही तहसीलों में जमा हो रहे हैं राशन कार्ड को जमा करने के लिए। दी, जानती हैं इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल कुमकुम, मैं जानती हूँ इसका मतलब क्या है। मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि अब चुनाव थोड़े नहीं है, जो लोगों से उनका वोट चाहिए, जब चुनाव आएगा तब फिर कोई नई तरकीब सोची जाएगी, खोजी जाएगी। फिलहाल अभी लोग राशन कार्ड जमा किए जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, न पूछ रहे हैं कि किनको राशन कार्ड जमा करना है, किनको लौटाना है, किनको नहीं। इस अधूरी जानकारी के चक्कर में कहीं पात्र की श्रेणी में आने वाले लोग भी कभी अपना हक ना खो दें, उससे वंचित ना रह जाएं। इस पर प्रशासन को, सरकार को जागरूकता को लेकर के जरूर से जरूर काम करना चाहिए। बिल्कुल, मेरी भी दी मेरी सरकार से और प्रशासन से मतलब यही अपील है कि जो उन्होंने ये कदम उठाया है काफी मायने में अच्छा है, और जो आपात लोग हैं वो राशन ना ले पाए। लेकिन एक बात की चिंता और सता रही है मुझे कि इसके चक्कर में कहीं जो पात्र लोग हैं इसके शिकार ना हो जाएं, वो राशन से वंचित ना हो जाएं। तो इस पे हमने रिपोर्टिंग भी किया है, तो चलिए हम लोगों से सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मजदूरी कर रहे हैं, एक क्या खाएं क्या पिए, एक कभी काम लगता है कभी नहीं। अब राशन कार्ड क्यों कट रहे हैं, इसका कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए। गाड़ी घोड़ा है? हमारा कुछ नहीं है भाई, हमें तो साइकिल तक नहीं कटना है। साइकिल तक नहीं है हमारे पास, इतना परेशान तो हमारे पास तो साइकिल ही नहीं गया है। वही तो कह नहीं, अब आप सुन रहे हैं सब लोग से राशन कट रहे, राशन कट रहे, ऐसा हो रहा है, सब इसके वजह से आप सब लोग डर रहे हैं। अपनी मजदूरी छोड़ छोड़ के अपने पारमेंट घर से ले लेके आ रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अब उनको, हम लोगों को नहीं है पता कि हम पात्र हैं या नहीं है पात्र, सब घबराहट के वजह से ले ले के ले आ रहे हैं। यही तरह की चिंता रहती है कि अगर सरकार ने अगर मान लो रख दिया है अगर, तो फिर कैसे हम क्या करेंगे। तो सुना आपने लोग किस तरह से कह रहे हैं, लोगों के चेहरे से साफ झलक रहा है कि लोगों के अंदर किस तरह का डर है, किस तरह की हवा भरी गई है। डर इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर लोग जो राशन कार्ड लिए हुए हैं, जिससे फ्री राशन ले रहे हैं या राशन भी ले रहे हैं,
उनमें अगर वो अपात्र पाए गए तो फिर उनसे वसूली की जाएगी, यानी जब से वो राशन ले रहे हैं तब से अब तक। तो इस डर के माहौल में लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो पात्र हैं या अपात्र हैं। खैर, हम यही कहेंगे कि इस पर सरकार को, प्रशासन को काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे विचार, हमारी राय, हमारे सवाल। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या सवाल हैं, आप जरूर से हमें लिख भेजिए। अगर अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बारी हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हाँ, और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट में जाकर ये खास खबरें जो आपके लिए हमने बनाई है जरूर से देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।